दोस्तों हाल ही में ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी करके इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वापसी के संकेत दे दिए हैं। दोस्तों ईशान किशन ने बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में 85 गेंदों में शानदार शतक लगाकर ये साबित कर दिया कि अभी भी वो टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। और दोस्तों इस पारी के दौरान ईशान किशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में दिखे और दोस्तों वो स्पिनर के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए भी दिखे। तो दोस्तों आपका ईशान किशन के द्वारा डोमेस्टिक क्रिकेट में खेली गई इस पारी के बारे में क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि ईशान किशन टीम इंडिया का हिस्सा भी होने चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों हाल ही में ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी करके इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वापसी के संकेत दे दिए हैं। दोस्तों ईशान किशन ने बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में 85 गेंदों में शानदार शतक लगाकर ये साबित कर दिया कि अभी भी वो टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। और दोस्तों इस पारी के दौरान ईशान किशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में दिखे और दोस्तों वो स्पिनर के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए भी दिखे। तो दोस्तों आपका ईशान किशन के द्वारा डोमेस्टिक क्रिकेट में खेली गई इस पारी के बारे में क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि ईशान किशन टीम इंडिया का हिस्सा भी होने चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।